प्रीवियस क्लास में हमने रेजिस्टेंस की रजिस्टर रजिस्टिविटी रजिस्टेंस प्रॉपर्टी देखे थे। अब हम थोड़ा सा सर्किट एनालिसिस करने के लिए कुछ कुछ लॉस है वो देखेंगे। ओम्स लॉ देख चुके हैं। सर्किट के एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट था। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने लॉ दिया है, उसी लॉ को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के अंतर्गत किरचॉफ्स ने लॉ दिया है किरचॉफ्स ने लॉ दिया है ठीक है। किरचॉफ ने लॉ किस लिए दिया है? सर्किट एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी सर्किट का एनालिसिस किस लिए किरचॉफ लॉ का जरूरत पड़ता है? एनालिसिस एनालिसिस ऑफ एनी सर्किट ऑफ एनी सर्किट, ठीक है। कोई भी सर्किट की एनालिसिस के लिए उन्होंने क्या दिया है? लॉ दिया है, ठीक है। तो सर्किट की एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया है? एक लॉ दिया, उसी लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर सर्किट का एनालिसिस बोला है, तो सर्किट का एनालिसिस का मतलब सर्किट के किसी भी पाथ पर करेंट की वैल्यू क्या होगा उसको निकालना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करेंट की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगे? किसी ही एलिमेंट पर वोल्टेज क्या होगा? सर्किट के किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज क्या होगा वो निकालना। सर्किट के किसी भी पाथ पर करंट की वैल्यू क्या होगा? सर्किट के किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा? सर्किट के कोई भी एलिमेंट है वो अपने अंदर कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा? पावर की लॉसेस क्या होंगे? पावर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ये सारे पैरामीटर्स को ही फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? सर्किट का एनालिसिस कहलाता है। तो कोई भी सर्किट की एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने लॉ दिया है, उसी लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ बोला जाता है। तो सर आप सबको पता होगा सर्किट का मतलब क्या होता है। तो सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट बेसिकली क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। सर्किट क्या होता है बेसिकली? सर्किट बेसिकली क्या होता है? सर्किट बेसिकली क्या होता है? ये क्लोज्ड पाथ होता है। सर्किट इज नथिंग बट इट इज अ क्लोज्ड पाथ और क्लोज पाथ इन विच करेंट कैन फ्लो आर फ्लोस। करेंट कैन फ्लो आर फ्लोस, जिसमें करेंट का फ्लो होता है या फिर करेंट फ्लो हो सकता है, उसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो सर्किट रहता है, सिंपल ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल क्लोज पाथ हो, तो सिंगल क्लोज पाथ वाले किसी क्लोज पाथ वाले सर्किट को हम सिंपल सर्किट ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सर्किट जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्लोज पाथ हो, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्क बोल देते हैं। जैसा मैं बताया था, कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या बोलते हैं? हम नेटवर्क बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोल देते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो सिंपल आपका सिंगल ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल लूप हो, सिंगल क्लोज पाथ हो, उसको हम जनरली सर्किट रेफर कर देते हैं। बट जो मल्टीपल नंबर ऑफ क्लोज पाथ है, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ लूप्स हैं, ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं।
तो सर्किट का मतलब क्या होता है? क्लोज पाथ। कोई भी सर्किट है उसको सर्किट तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसमें कोई क्लोज पाथ क्रिएट ना हो, ठीक है? तो उसको हम क्या, सर्किट का मतलब क्या होता है? ऐसा बंद पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, ठीक है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलो चाहे कोई भी सिंपल सर्किट बोलो, उसकी एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, उसी लॉ को ही क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोला जाता है, ठीक है? तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया है वो लॉ दो तरीके से है। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया वो एक्चुअल में जो दो लॉ है दो तरीके से, एक को बोलते हैं किरचॉफ्स करेंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करेंट लॉ। क्या है फुल फॉर्म इसका? किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ का करेंट नियम, किरचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक है? किरचॉफ का करेंट नियम बोलते हैं, सो किरचॉफ का धारा नियम है, ठीक है? किरचॉफ्स करेंट लॉ है, किरचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक? तो किरचॉफ्स करेंट लॉ है, किरचॉफ का धारा नियम है, एक किरचॉफ्स करेंट लॉ है और दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगला क्या है आपका, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने किसी भी सर्किट की एनालिसिस करने के लिए दो लॉ दिया, एक को उन्होंने करंट से रिलेटेड लॉ बताया, दूसरे को उन्होंने वोल्टेज से रिलेटेड लॉ बताया, ठीक है? तो करंट से रिलेटेड लॉ को पहले देख देते हैं। सर्किट एनालिसिस करना मतलब किसी भी सर्किट का करंट, किसी भी सर्किट के किसी पाथ पे फ्लो होने वाले करंट, किसी भी सर्किट के किसी एलिमेंट पर वोल्टेज या फिर किसी ई एलिमेंट पर पावर की लॉसेस, पावर एब्जॉर्प्शन को फाइंड आउट करना, कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है, सर्किट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है? तो एनालिसिस के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया है उसी लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉ दिया, एक को किरचॉफ्स करेंट लॉ बोला, दूसरे को क्या बोला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोला, ठीक है? अब देखते हैं अपन किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ का करेंट नियम, किरचॉफ का करेंट नियम देखते हैं, किरचॉफ्स करेंट नियम, किरचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक है? किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने किसी भी सर्किट की एनालिसिस करने के लिए करंट से रिलेटेड जो लॉ दिया है, करंट संबंधित जो नियम दिया है, उसी लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। तो करंट से रिलेटेड उन्होंने जो भी लॉ दिया, ठीक है, करंट से रिलेटेड उन्होंने जो भी लॉ दिया उसी लॉ को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ ने एक लाइन में ये बोल दिया, पर किरचॉफ का करेंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पर, ठीक है, किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पर सारे धाराओं का सम जो होगा वो हमेशा शून्य होता है। उन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। उन्होंने बोला एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है?
तो उन्होंने ये बोल दिया किरचाफ ने, द सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन, द सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। सर्किट के किसी भी जंक्शन पर सभी धाराओं का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। किरचाफ नाम के साइंटिस्ट ने करेंट से रिलेटेड लॉ दिया, और लॉ दिया तो उन्होंने बोला कि किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पर सारे धाराओं का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अब हम कोई भी जंक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है, द सम ऑफ करेंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, उन्होंने यही बोला। अब देखते हैं, एक एक सिंपल जंक्शन बना देते हैं। अब आपको जंक्शन पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि मान लिया ये जंक्शन है। सर्किट में जंक्शन किसको बोलते हैं हम बता देंगे अभी आपको। ये ऐसा सर्किट का पाथ है, ये पाथ है, पाथ मतलब एक वायर है समझो, ठीक है, ये वायर, ये बंद सर्किट है इधर, और कहीं कहीं कनेक्टेड है, पूरा क्लोज है। मैं यहाँ पर सिर्फ जंक्शन को फोकस कर रहा हूँ, इस कारण यहाँ पर जंक्शन ही बनाया। ये आपका जंक्शन है, ये आपका ये वाला पॉइंट क्या है, नोड बोलते हैं इसको, नोड, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन बोलते हैं। तो नोड बोलो चाहे जंक्शन बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो नोड का मतलब क्या होता है, सर्किट का वह पॉइंट जिस पॉइंट पर दो या फिर दो से अधिक ब्रांचेस आपस में मिलते हैं। दो से अधिक ब्रांचेस या फिर दो से अधिक ब्रांचेस आपस में जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड या फिर जंक्शन। हमेशा दो से अधिक बोलेंगे, सिर्फ दो करेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो नोड आर जंक्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ पॉइंट वेयर मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर दो से अधिक ब्रांचेस आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको नोड बोला या फिर इसी को जंक्शन बोला, क्योंकि यहाँ पर एक पाथ जुड़ा है, ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, छठवा हो गया। तो सिक्स वायर्स हैं यहाँ पर, सिक्स वायर्स आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड है, इस कारण उस पॉइंट को हमने क्या बोला, नोड बोला या फिर उसी को जंक्शन बोला। दो से अधिक ब्रांचेस जहाँ पर आपस में कनेक्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो किरचाफ ने यही बोला कि सर्किट के कोई भी जंक्शन पर सभी करेंट का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो। सम ऑफ द करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। फिर मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ए एक नोड है, इस नोड पर सिक्स ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है। इन ब्रांचेस उन्होंने केसीएल ने तो एक लाइन में बोल दिया कि सर्किट के कोई भी जंक्शन पर सारे करंट का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फिर उन्होंने साइन कन्वेंशन जैसा चीज बताया कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग जो करंट्स होगा, उन्होंने ये बोला कि इनकमिंग जो करंट होगा किधर, इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन, ठीक है, टुवर्ड द जंक्शन, ठीक है, जंक्शन की ओर जो आने वाला करेंट, इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन की ओर जो आने वाला जो करेंट है उस करेंट को हमेशा क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव करेंट बोलेंगे। क्या करेंट बोलेंगे उसको, पॉजिटिव करेंट, मतलब उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। किरचाफ ने बोल दिया कि किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पर आने वाला करेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इनकमिंग करेंट्स टुवर्ड द जंक्शन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो सर्किट के कोई भी जंक्शन पर जो आने वाला करेंट है जिसको हम इनकमिंग करेंट बोलेंगे,
वो इनकमिंग जो करेंट्स हैं वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन की बात किया उन्होंने कि उन्होंने ये बोला कि सर्किट एनालिसिस के लिए इनकमिंग करेंट्स को हमेशा क्या बोलेंगे, जंक्शन की ओर आने वाला करेंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव करेंगे। जैसा कि आप पैसा कमाते हो, इनकम होता है तो आपके पास आता है ना, तो वो पॉजिटिव हो, खर्च करते हो तो आपसे चला जाता है तो निगेटिव हो जाएगा। तो आउटगोइंग करेंट को उन्होंने बताया, आउटगोइंग करेंट फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से आउटगोइंग करेंट, आउटगोइंग करेंट फ्रॉम द जंक्शन विल बी ऑलवेज निगेटिव करेंट। उन्हें क्या बोला कि जंक्शन से जो दूर जाने वाला करेंट है, जंक्शन से दूर जाने वाला करेंट है वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव करेंट होगा। उन्होंने साइन कन्वेंशन की बात किया कि एक्चुअल में उसकी साइन क्या होगा, पोलारिटी क्या होगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक्चुअल में मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है, तो सर्किट के कोई भी जंक्शन पे आने वाला करंट पॉजिटिव होगा और सर्किट के जंक्शन से दूर जाने वाला जो करंट है वो ऑलवेज क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन उन्होंने बता दिया। सपोज दिस इज आ जंक्शन ए, सभी में एक एक करेंट मान लेता हूँ। सपोज दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, दिस इज आई थ्री एंड दिस इज आई फोर, दिस इज आई फाइव एंड दिस इज आई सिक्स। छः ब्रांचेस है, छः ब्रांचेस पॉइंट ए पर आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांच पे एक एक करेंट है, उसको मैंने जम्सन कर दिया एस आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव एंड आई सिक्स, ठीक है। और ये वाला जो लाइन जो है वो तो नोट को बताने के लिए, क्योंकि इसको नोट बोलते हैं, ठीक है। मैंने रेंडमली अपने तरफ से किसी भी करेंट को इनकमिंग और किसी भी करेंट को आउटगोइंग कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई वन करेंट, आई थ्री करेंट और आई फाइव जो करेंट है वो जंक्शन की ओर आते हुए दिख रहा है, टूअर्ड दी जंक्शन दिख रहा है उसकी एरो से। और करेंट आई टू, आई फोर, आई सिक्स जो करेंट है वो आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन से दूर जाते हुए दिख रहा है। तो आई वन, आई थ्री एंड आई फाइव है वो इनकमिंग करेंट है, और इनकमिंग करेंट होने की वजह से ये सारे जो करेंट है उसकी साइन है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव करेंट कहलाएंगे। बट आई टू, आई फोर एंड आई सिक्स करेंट जो है वो आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन है, आउटगोइंग फ्रॉम दी जंक्शन होने के कारण ये सारे जो करेंट है वो क्या कहलाएंगे, निगेटिव करेंट कहलाएंगे। और इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, निगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू KCL, फ्रॉम KCL या फिर अकॉर्डिंग टू KCL के अनुसार क्या होगा, उन्होंने एक लाइन में ये बोला था कि सर्किट के कोई भी जंक्शन पर सारे करेंट्स का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो चलो कर देते हैं, आई वन सम करना है, जोड़ना है, आई वन प्लस, आई वन क्या है, इनकमिंग करेंट, इसका इसके साथ प्लस साइन यूज़ करेंगे और सम के वजह से यहाँ पर प्लस यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आई टू, आई टू बाहर की ओर जा रहा है, इस कारण ये माइनस होगा, माइनस आई टू हो जाएंगे, प्लस। फिर आई थ्री किधर जा रहा है, इनकमिंग है तो प्लस आई थ्री होगा, प्लस। फिर आई फोर क्या है, आउटगोइंग है तो आई फोर आउटगोइंग होने की वजह से माइनस। फिर प्लस आई फाइव है, इनकमिंग तो प्लस आई फाइव इनकमिंग, प्लस आई सिक्स क्या है, आउटगोइंग, आउटगोइंग की वजह से माइनस आई सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया है आपका, जो आ रहा है उसके साथ प्लस यूज़ कर रहा हूँ, जा रहा है उसके साथ माइनस यूज़ कर रहा हूँ। अब ब्रेकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रेकेट ओपन करके अपन देखेंगे तो यहाँ पर आई वन प्लस है माइनस, आई टू प्लस, आई थ्री माइनस, आई फोर प्लस, आई फाइव माइनस, आई सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया, मैंने ब्रैकेट ओपन करके सारे को प्लस और माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, ये हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, यहाँ पर KCL लगाया हूँ। KCL हमेशा जंक्शन में ही रहेंगे। जब भी KCL की बात आएगा, करंट लॉ की बात आएगा, जंक्शन की बातें होंगे और जंक्शन पर करंट की बात, तो KCL में सिर्फ करंट की बात होगा और हमेशा जंक्शन पे ही लागू होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर माइनस वाले साइन को एक तरफ ले जाते हैं, तो आई वन एक तरफ है इनकमिंग, प्लस आई थ्री एक तरफ, प्लस आई फाइव एक तरफ, ये सारे इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन कौन है, आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स, ये सारे इनकमिंग का सम हो रहा है और सारे आउटगोइंग का सम। जो माइनस पोलैरिटी वाले थे सारे को मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया, तो माइनस का क्या हो गया, वो प्लस हो गया। ठीक है, तो आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव इक्वल टू आई टू प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स हो गया। ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करेंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। क्लियर हुआ? तो इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट्स, समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट्स, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करेंट्स, आउटगोइंग करेंट्स, समेशन ऑफ आउटगोइंग करेंट। तो इनकमिंग करेंट का जो सम है वो आउटगोइंग करेंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। इनकमिंग करेंट का सम है वो आउटगोइंग करेंट का सम का इक्वल होता है। तो लास्ट में कंक्लूजन करने से यही पता चलता है कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पे आने वाले करेंट का सम हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करेंट के सम का इक्वल होता है। कहने का मतलब जितना भी एनर्जी, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन पे आ रहा है, वो पूरे पूरे का एनर्जी जंक्शन से दूसरे ओर ट्रांसफर भी हो जा रहा है। दैट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉसेस नहीं हो रहा है, लॉसेस तो नहीं हो रहा है ना। जितना चार्ज का फ्लो होते हुए जंक्शन किया आया है, उतने ही अमाउंट में चार्जेस का फ्लो होते हुए जंक्शन से दूर चला गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर कोई भी चार्जेस का लॉस नहीं हो, क्योंकि चार्जेस का फ्लो रेट ही करेंट है यहाँ पर। तो जितना यहाँ पर आया उतना चला गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। जितना दे रहे हो उतना चला भी जा रहा है, ये अपने अंदर कोई भी एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा, ना लॉसेस नहीं कर दे रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, किरचॉफ्स करेंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के लॉ को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का क्या करता है, ये फॉलो करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। ठीक है, मतलब इसमें आवेश है वो कम्प्लीटली क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कोई भी टाइप की इसमें चार्जेस का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ का करेंट नियम लगेगा तो नोड की बात आएगा, नोड मतलब जंक्शन की बात आएगा। जंक्शन का मतलब होता है, जंक्शन इज अ पॉइंट इन एनी सर्किट वेयर मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू इच अदर।